चीजों को जानते हैं, आगे सीखिएगा। अब प्रैक्टिस के दौरान आपको जो लास्ट का स्टेप है ना वो ये है मेरे दोस्त, जब प्रैक्टिस आप लोग करते हैं हां, और आपका गुरु यानी कि आपका टीचर उसमें शामिल होता है, तो भाई वो जो टेक्निकल चीजें निकल के आती है ना वो टीचर ही आपको दे पाता है। टेक्निकल चीजें क्या, एग्जाम आपको एग्जैक्टली फेस कैसे करना है, एग्जाम अटेम्प्ट करने का तरीका एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, कैसे आप अपना समय बचा सकते हैं, ठीक है, एग्जाम को जब अटेम्प्ट करें तो दिमाग में क्या लेके आना है, कितना चीजों को पढ़ना है, क्या बार बार क्वेश्चन पढ़े या एक ही बार पढ़ने से काम चल जाएगा, ऑप्शन की हेल्प भी ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, किस तरीके से चीजें मैनेज करनी है, वो सारी चीजें आपको यहां पता चल जाती है। लेकिन मैंने कहा वादा आपका भी कि आप जो प्रैक्टिस आपको होमवर्क वगैरह दी जाएगी वो सेल्फ स्टडी के लिए आप तैयार रहेंगे। कई बार बच्चा होता है ना, अरे प्रैक्टिस में खुद कर, बेटा खुद तो हर शब्द आता ही आता है, प्लस में टीचर उसमें ऐड हो जाना चाहिए तो बातें आपकी और बेहतरीन बन जाती है। होता है ना गाइडेंस में जब आप चीजों को पढ़ते हैं तो बातें और आसान और अच्छी और बेहतर आपकी बन जाती है, तो ये टीचर के साथ प्रैक्टिस करने का फायदा आपको मिल जाता है। ठीक है जी, फिर मैं आपके भी डाउट्स लूंगा, क्या कहानी है यहां पर। दूसरा बेटा, जब आप प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करते हैं, प्री है फिर मेंस आने लग रहा है, तो आप प्री और मेंस, ठीक है, दोनों के दोनों इसमें कवर करके मैं चलूंगा। तो छोटी छोटी बातें आप जो है ना इस चीज को याद रखिएगा, मतलब कॉपी कुछ नहीं करना, मैं जो पॉइंट आप पूछ सकते हैं ना यार उनको मैं बता तो दूं पहले, ठीक है। प्री अप टू मेंस का लेवल रहेगा, ठीक है, प्री अप टू मेंस का लेवल रहेगा, प्लस कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी कराऊंगा या कुछ एक्सपेक्टेड कॉन्सेप्ट्स कह सकते हो, वो कॉन्सेप्ट्स जो एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, प्लस अपडेटेड कॉन्सेप्ट्स, भाई जो समय रहते चीजें नई नई आने लगी हैं एग्जाम में पूछने लग गया है, तो एक्सपेक्टेड कॉन्सेप्ट्स भी होंगे और अपडेटेड कॉन्सेप्ट्स भी मैं बता के चलूंगा कि ये चीजें नई अपडेट हैं, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आजकल पूछा जा सकता है, जैसे आप मैथ्स में मेहनत करते हैं उतनी मेहनत मैं बेसिकली कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इंग्लिश में भी कीजिए, जितनी मेहनत जितनी सीरियसनेस आप मैथ्स पढ़ते वक्त दिखाते हैं, ठीक है भाई। एक मिनट, मैं आपके कमेंट रिफ्रेश करता हूं बेटा।